हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टी फॉर यू। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा हेयर ऑयल लेके आई हूँ जो आपके हेयर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर देगा और ये आपके डैंड्रफ और आपकी हेयर ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके हेयर्स में जैसे अब सर्दियों का टाइम आ गया है और हमारे हेयर्स में सिर्फ एक प्रॉब्लम रहती है, वो है डैंड्रफ की, तो उसको तो ये जड़ से मिटाएगा ही मिटाएगा और साथ साथ आपके हेयर्स को स्मूथनिंग और केराटिन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उसके अंदर मैं एक ऐसा ऑयल लेने वाली हूँ जो आपके बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी बनाएगा। और साथ साथ मैं दूसरा इंग्रेडिएंट लेने वाली हूँ, वो आपके डैंड्रफ को हटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, उससे आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या अपने दोस्तों के साथ। सो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हेयर ऑयल। हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है लेमन। हमें सिर्फ आधा लेमन ही चाहिए, जिसको हम नींबू भी कहते हैं, सिर्फ आधा नींबू हमें चाहिए। और उसके साथ हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है सरसों का तेल, जो मोस्टली गांव में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आजकल हमारे शहरों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया। विंटर में ये ऑयल बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है ये। सो आज हम इसको एज अ हेयर ऑयल अपने बालों में लगाएंगे और देखते हैं इसको कैसे। अब हम एक क्लीन बाउल ले लेंगे और उसके अंदर जो हमने इन्ग्रीडियंट आपको बताया है वो मिक्स कर देंगे। सो पहले हम ऐड करेंगे सरसों का तेल और उसके अंदर ऐड कर देंगे हम लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने के बाद उसके बाद हम इसको मिक्स करके अच्छी तरह से अपने हेयर्स में लगाएंगे। आपको ये रूट से लेके पूरे एंड्स तक लगाना है, इससे आपके बालों में जो शाइन आएगी वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी होगी। और उसके बाद आपको इन्हें रूट्स में जब आप इन्हें लगाओगे इस ऑयल को, सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। अगर आपका रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आपके बालों को ग्रोथ होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो गाइस आपको ये हेयर ऑयल वीक में 2 से 3 बार लगाना है और आप खुद फ़र्क देखेंगे। और अगर आपको रिजल्ट मिलेगा सो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके हेयर्स के लिए, आपके हेयर्स की रूट्स के लिए और साथ साथ आपके हेयर्स को शाइनी, सिल्की, स्मूथ बनाने में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अंदर कुछ ऐसे एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके हेयर्स की ग्रोथ में। सो ये ग्रोथ के लिए, आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है। सो प्लीज़ गाइस इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज़ गाइस मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बताइए नीचे कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। सो गाइस तब तक के लिए ये हेयर ऑयल आप यूज़ करिए और मैं आपके लिए एक और हेयर ऑयल लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको बताएगा कि आप अपने बालों को सिर्फ अपने लेंस में लगा के उस हेयर ऑयल को कैसे आप स्मूथ बना सकते हैं अपने हेयर्स को। क्योंकि ये हेयर ऑयल मैंने अपने हेयर्स में ट्राई करा है तभी।